हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा HCS 2022 मेंस एग्जामिनेशन का जनरल स्टडी का पेपर 12 8 2023 को हेल्ड करवाया गया था। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। टोटल 200 मार्क्स के जनरल स्टडी क्वेश्चन पेपर होते हैं। समय 3 घंटे दिए जाते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। यदि हम इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर है। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होगा और इसमें हर एक क्वेश्चन के लिए 2 शब्द लिखने हैं। लेकिन ये 2 शब्द पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 20 क्वेश्चन 2 शब्दों में लिखने का मतलब हो गया कि टोटल 4000 वर्ड्स हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसलिए जो एक आदर्श उत्तर होगा वो 150 से लेकर 200 शब्दों के बीच में हमें अपने आंसर को रखना चाहिए इस पेपर के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो इसमें पूछा गया था कि एनालाइज द मेन रीजन फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 क्रांति का आरंभ होने के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए। हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं, जो हमारे राइट साइड में है ये मार्क्स को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में जो मेन है वो है प्रमुख कारण। तो कारणों पर फोकस करना है कि मेरठ से जो 10 मई 1857 को क्रांति स्टार्ट होती है मेरठ से, उसके प्रमुख कारण क्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंट टाइप्स की पर्सनालिटीज हैं, इनका कंट्रीब्यूशंस मेन इन्होंने योगदान क्या दिया, इनके योगदानों पर हमें फोकस करना है और हर एक के लिए 2 से 3 सेंटेंस हमें लिखना है। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पूछा गया है, दादाभाई नौरोजी के बारे में पूछा गया है, लाला लजपत राय के बारे में पूछा गया है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछा गया है, महामना मदन मोहन मालवीय जी के बारे में पूछा गया है। तो इनके बारे में 2 से 3 लाइन लिखना है और जो कि इनका मेन जो होगा आंसर में अपने योगदान पर फोकस करना है, कंट्रीब्यूशंस पर फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें पूछा गया है कि डिस्कस द फाउंडेशनल वैल्यूज अंडरपिनिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। डायरेक्ट ये जो ऐसा कहेंगे कि ये सिलेबस का ही पॉइंट है, वही उठाकर यहाँ पे रख दिया गया है कि भारतीय संविधान को अनुप्रमाणित करने वाले आधारभूत मूल्यों की विवेचना किसी है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्यूज बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर मॉडल्स ऑफ द फेडरलिज्म अंडर विच कैटेगरी वुड यू कैटेगराइज इंडियन फेडरलिज्म एंड वाई। संघवाद के साथ आने और साथ रहने के प्रति दर्शो में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारतीय संघवाद को आप किस श्रेणी में रखेंगे और क्यों। इंडियन फेडरलिज्म को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। वी नो दैट वेरी वेल कि हमारा जो फेडरलिज्म है वो क्वासाई फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें पूछा गया है कि हाईलाइट द मेजर चेंजेस ब्राउट अबाउट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मणिपुर में सांप्रदायिक झगड़ों के शुरू होने के महत्वपूर्ण कारणों का विवेचन किसी है, जो अभी करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल द रोल ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। उचित उदाहरणों के साथ भारत में कृषि के विकास में सड़क परिवहन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। काफ़ी इसने कंट्रीब्यूशंस किया है। अभी जो है हम लोग जानते हैं कि रोड का कंस्ट्रक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड में लगभग ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़कों का विकास हर एक गांव तक किया जा चुका है, जिनका कि कृषि के विकास में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उसी को लेकर क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि डिस्कस द कजेज ऑफ पेरिनियल फ्लड्स इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया, सजेस्ट सुटेबल रेमेडीज टू मिनिमाइज। भारत के कुछ हिस्सों में लगातार बाढ़ आने के कारणों, यानी कि हर एक साल, जैसे कि असम हो गया, बिहार का नॉर्थ हो गया, इवन पंजाब में भी कभी कभी बाढ़ आ जाते हैं, इवन हिमाचल प्रदेश में लगभग फ्रीक्वेंटली बाढ़ आते रहते हैं, जो कि अभी करंट में भी आया हुआ था। तो इन बाढ़ों से होने वाले नुकसान के न्यूनीकरण हेतु उचित उपाय सुझाइए। तो फ्लड्स पर क्वेश्चन ये है, जियोग्राफी का ये पोर्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हाउ हैज इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी ट्रांसफॉर्म्ड इट्स रिलेशनशिप विद ईस्ट एशियन कंट्रीज, इलस्ट्रेट योर आंसर। भारत की पूर्व की ओर कार की नीति ने कैसे पूर्वी एशियाई देशों के साथ इसके संबंधों को परिवर्तित किया है, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। क्वाड के बारे में पूछा गया है कि मेंबर्स ऑफ क्वाड has qualitatively altered the security scenario in Indo-Pacific commons। international relations से ये काफ़ी important questions था, ये काफ़ी मतलब कि hot topic माना जाएगा, जिसमें कि क्वाड में अपने 4 countries हैं, जापान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अपना इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हाउ हैज इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इवॉल्व फ्रॉम बींग सीन एज अ थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस टू अ ग्रांटी ऑफ पीस पर्टिकुलरली इन साउथ एशिया, डिस्कस। भारत की परमाणु नीति कैसे विश्व शांति के लिए खतरे के रूप में देखी जाने से लेकर विशेषतः दक्षिण एशिया में शांति की गारंटी के रूप में विकसित हुई है, विवेचना कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड एंड सर्विस टैक्स इज अ गेम चेंजर इन द इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम ऑफ इंडिया कॉमेंट। वी नो दैट वेरी वेल, GST एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है, उसी पर हमें कॉमेंट करना है कि कैसे गेम चेंजर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 लिस्ट द मेजर फंक्शंस ऑफ नीति आयोग एंड डिस्कस द मेजर alterations it has brought in the planning process of India। नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है,
के कार्यों को सूचीबद्ध कीजिए और इसके द्वारा भारत की नियोजन प्रक्रिया में लाए गए परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द मेजर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया एज चेयर ऑफ G20। क्वेश्चन नंबर 15, क्रिटिकली एनालाइज द बेसिस ऑफ इंडियाज क्लेम फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के भारत के दावे के आधारों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की प्रमुख हितों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, डू यू थिंक इंडिया विल मेक 50% ऑफ द एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, जस्टिफाई योर आंसर। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट, हाउ डू वैक्सीन्स वर्क, टीके के विकास के पीछे का आधारभूत सिद्धांत क्या है, टीके कैसे कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन है, गिवेन क्वेश्चन है और फिर हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन है ए बी इसके हमें आंसर देने हैं इस क्वेश्चंस का। तो इसका हम लोग सोल्यूशन एक बार डिटेल्स में देखेंगे, मैं कर दूंगा, लेकिन ये अभी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है फाइनली, हाउ वुड यू इलस्ट्रेट डायग्रामेटिकली द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, ये भी DI का ही क्वेश्चन है। गिव ब्रीफ रीजन फॉर योर चॉइस, एवरेज यील्ड पर एकर ऑफ राइस इन इंडिया फॉर ईच ऑफ द लास्ट 10 ईयर। तो इस तरह से जो स्टेटमेंट है इनको हम लोग किस तरह से डेटा में लिख सकते हैं, न्यूमेरिकली डेटा में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, इसी पर हमें दिखाना है, जैसे कि पाई चार्ट के थ्रू, बार डायग्राम के थ्रू या फिर लाइन डायग्राम के थ्रू, तो इनके आंसर हमें करने होंगे। तो इस तरह से इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 2-2 नंबर के हैं हर एक क्वेश्चंस। तो ये अपने टोटल 20 क्वेश्चंस जो हैं जनरल स्टडी मेन्स पेपर हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थे, जिनका एग्जामिनेशन अगस्त में ही हुआ था 2023 में।